मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। दिन है आज मंगलवार और डेट है आज 28th of January। और आज मेरे बहुत सारे व्यूवर की एनिवर्सरी है, मैं याद कर रही हूँ उस चीज को। और पता है क्या, सारे विश करवा लेते हैं फ्री फंड में, कोई पार्टी देने का नाम नहीं लेता कि चलो भाई एक आधा इंसान तो यूं मुंह से बोले कि चलो हम पार्टी दे रहे हैं आपको। तो मैं मजाक कर रही हूँ यार, बस आप खुश रहो, खुशी खुशी अपना दिन सेलिब्रेट करो। मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं है। और अभी ना बैठे बैठे मैं क्या सोच रही थी कि मैं, मतलब कल पूरी वीडियो तो निकाल दी मैंने लास्ट में 2-4 मिनट की, उस सूट पे बताना क्या अच्छा लगेगा, और सूट आपको दिखाया ही नहीं। बताओ ऐसे भी होता है? जब आपके मतलब उस वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए ना, तब मैं ये बात सोच रही थी। मैं कहा यार आप लोग भी क्या बोल रहे होगे कि कैसी बेअकली यूट्यूबर है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है आगे यूट्यूब पे। तो मतलब अजीब सी बात होगी ना कि मैं आपसे सूट पूछ रही हूँ कि इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, और दिखा आपको रही नहीं हूँ। तो सच में बेअकली हुई ना, कैसी बिना अकल का काम कर दिया मैंने, है ना। तो चलो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, कल मैं सूट दिखा रही थी ना, सबसे पहले वो दिखा देती हूँ आपको। तो आज मैं अपने पास लेके ही बैठी हूँ, वीडियो स्टार्ट करते टाइम ही मैं कहा फिर मैं भूल जाती हूँ। तो देखो ये वाला सूट है, कटिंग हो गया ना, मैंने प्रेस के साथ फोल्ड करके रख दिया था इसको। एक तो है ये वाला, ये और इसके साथ सलवार दिखानी थी मेरे को, है ना। सलवार ये है इसके साथ, देखो आप समझ आया मैं कौन सी सलवार की बात कर रही थी। ये ना अभी मैंने इसकी उल्टी तय कर रखी है, क्योंकि मैंने कल प्रेस किया था ना इसको, तो मुझे लगा चलो निशान लगाऊंगी जब चौक के, तो उल्टी साइड से ही लगेंगे। वैसे सीधी साइड से दिखाऊं, ये है सीधी साइड से इस तरह की है। और जो दूसरे सूट की मैं बात कर रही थी, अगर मैं ब्लैक प्लेन लाऊं तो ये दूसरे वाला है, ये मैंने स्टिच कर लिया है, ये गर्मियों के लिए ही सील रही हूँ अब मैं सूट। और वैसे भी मेरे सर्दियों गर्मियों के सेम ही रहते हैं, मैं ज़्यादा सूट गर्मियों सर्दियों वाले नहीं बनाती। तो ये वाला है ग्रे इस तरह से। तो आप बताओ मतलब इसके साथ है तो मेरे पास कपड़ा ब्लैक कलर का, लेकिन मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि वो हल्का है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बताओ कि इसके साथ, बताओ ये वाली अच्छी लगेगी या फिर इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ एक प्लेन अच्छी लगेगी। तो आप मुझे बताना, सजेस्ट करना, जिस जिसको जैसा जैसा समझ में आए, तो ज़्यादा जो ओपिनियन होंगे वही मैं मानूंगी भाई। तो वैसे मुझे लग रहा है, चलो मैं अपनी नहीं बताती हूँ, आपकी पूछूंगी पहले, फिर बाद में अपनी बताऊंगी। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो तो जयपुरी ही, इसी तरह का जयपुरी है, और इस वाले का ये है, ये वो जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, कौन सा बोलते हैं यार इसको, प्योर का दुपट्टा है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये वाला है खादी कपड़े में ग्रे वाला, और ये जो है ना, ये जो बिल्कुल वैसे वाला कॉटन होता है ना, कि जो मतलब एक ही गर्मी चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, फिर आपको पता है ना मतलब वो कैसा हो जाता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी खींच भी दिया, पकड़ गया कुछ भी, तो फटना शुरू हो जाता है। तो ये वो वाला कॉटन है जो बिल्कुल प्योर कॉटन होता है, और प्योर कॉटन की लाइफ ज्यादा होती नहीं। ये खादी वाला तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा। और मुझे है ना मतलब बहुत चटकीले शेड कम पसंद है, मुझे इसी तरह के शेड अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने पालक उबलने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने तेज़ पानी को गर्म कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें धोला कटा हुआ पालक डाल दिया, और 2 मिनट के बाद मैं इसको ठंडे पानी में निकाल ले रही हूँ, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो यहीं की यहीं रुक जाए और ज़्यादा ये ना पके, क्योंकि जब तक ये गर्म रहेगा फिर ये तब तक कुक होता ही रहेगा, इसलिए मैंने इसको ठंडे पानी में निकाल लिया है। और इसको ठंडे पानी में निकाल लेने के बाद, अभी मैंने ये जो दूसरे साइड में गोभी रखी थी गर्म पानी में डाल के कुछ देर के लिए, वो निकाल लिया, नमक वाला पानी था ताकि इसमें कोई भी छोटा मोटा कीटाणु हो तो वो निकल जाए। और यहाँ पे ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, 1 चम्मच तेल डाल के इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल दिया है, साथ में ही मैंने इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम, जैसे कि शाही पनीर वगैरह का मसाला रेडी करते हैं उस तरीके से। ये है मेरा ठंडा हो चुका है जो पालक, वो
और अभी मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। पालक को आपको एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देना है। और यहाँ पे ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं, दो तीन कटे हुए, बड़े हैं तो दो डालिए वरना आप तीन डाल दीजिए। और यहाँ पे ये जो प्याज़ अदरक लहसुन मैंने भून के रखा था वो इसमें मैं मिक्स कर इसी मसाले में मैं डाल दूंगी। और ये है हरा धनिया, डंठल के साथ ही आपको डाल देना है इसमें। और अभी आपको इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, तो मैं अभी आपको इसको पीस के दिखाती हूँ किस तरह का ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपको रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हरा हरा चटनी की तरह का ये हो चुका है, बस इसमें नमक नहीं है वरना चटनी ही बन जाएगी। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जितना भी जार और ढक्कन पे लगाया, भाई मैं माल को छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और ये है गोभी जिसका कि एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल लिया गया है, जो निकाली थी ये मैंने गर्म पानी में से, उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है इसको। और ये मैंने अब इसमें नमक मिला दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी हो वो सारा रिलीज़ हो जाए। कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अब इसका सारा पानी फिर साइड में आ जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना। और इसके बाद जो मैं वॉइस दे रही हूँ वो वॉइस ओवर ही दूंगी, आप मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाना बिल्कुल भी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे गाने चल रहे थे, ये चीज़ मैंने बाद में देखी। और ये मेरी गोभी है निचोड़ी हुई और साइड में मैंने फ्राई पैन रख दिया है। और ये बेसन, आप हंसना मत, मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि पैकेट में ही बचा हुआ था थोड़ा सा आज आज के लिए ही, तो बस पैकेट से ही मैं डाल रही हूँ, लास्ट बचा हुआ था ये। और यहाँ पे ये बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी मैं इसमें ये बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी, आप एक दो जो डालना चाहो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जहाँ सस्ते हैं वो दो डाल लेना, जहाँ बहुत महंगे हो रहे हैं वो एक ही डाल लेना। और ये है हरा धनिया पत्ती, तो ये डाल लेनी है आपको। और यहाँ पे है ये सेंधा नमक, उसके बाद आपको इसमें हींग ऐड कर देना है। और मसालों में आप जो चाहो डाल सकते हो, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बस मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और ये है अजवाइन, अजवाइन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गोभी के ही बनेंगे ना, तो फिर गोभी वाली चीज़ में अजवाइन ज़रूरी होता है। और ये मैंने क्रश करके हाथ से अजवाइन डाल दी है। और हरी मिर्च मैंने गोभी के साथ ही एक पीस ली थी, अगर आप चाहो तो पीस सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और अभी मैंने इसको मैश करना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से, काट के डालना चाहो तो आप इसमें काट के भी डाल सकते हो, वो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आपको कैसी हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। इसको मैंने एक आटे की तरह कर लिया है, जैसे कि एक सॉफ्ट आटा गूंथते हैं उस तरह से। और ये मैंने भुना हुआ बेसन ले लिया है, सूखा भुना है मैंने इसको। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, चिकना हाथ पे लगा लिया है। और अब मैं इसके ये गोल गोल बॉल बनाना शुरू कर दूंगी, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ओवल बनाना चाहते हैं तो ओवल भी कर सकते हैं लंबे लंबे, लेकिन मैंने गोल ही बनाए हैं। और गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, अब नॉर्मल फ्लेम आपको करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ पे भी नहीं पकाने हैं ये, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये फटने शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अभी इस तरह के ये बॉल्स मैंने इसके रेडी कर लिए हैं। और जो भुना हुआ अपना बेसन है उसमें इसकी कोटिंग करके अच्छी तरह से बस, और फिर आपको इसमें ये छोड़ते चले जाना है, एक बार में जितने आराम से आते हैं उतने ही छोड़ने हैं, ज़्यादा नहीं छोड़ने हैं। तो एक बार में मेरे ये 6-7 आए हैं, तो बस इतने ही मैं डालूंगी। और अब मैं चम्मच से ऊपर वाली साइड में तेल डाल दिया है मैंने पहले, और फिर इनको पलटना शुरू कर दिया है ताकि इनके टूटने का डर नहीं रहे फिर। और बस अभी आप देख सकते हो ये मेरे पकौड़े हो चुके हैं तैयार, गोभी के कोफ्ते। तो आज हम गोभी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं विथ पालक ग्रेवी। और यहाँ पे ये सारे के सारे अपने जो कोफ्ते हैं वो इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और ये बहुत क्रंची होते हैं बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। और ये जो सेम कढ़ाई मैंने ले ली है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, सबसे पहले मैंने जीरा तड़काया, हींग डाला, उसके बाद मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये है 1 चम्मच बेसन, और इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। बहुत सिम गैस आपको रखनी है इस टाइम पे वरना मसाले जल जाएंगे। और इसके बाद तुरंत आपको वो जो ग्रेवी हमने रेडी करके रखी है वो डाल देनी है। यहाँ पे ये ग्रेवी में जब खदका लगना शुरू हो चुका है मेरा, आप देख सकते हो साइडों में से ये उबलना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है क्योंकि पूरी रेसिपी में मैंने अभी तक गरम मसाला यूज़ नहीं किया है। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि नमक कोफ्ते में भी है और पालक भी नमकीन ही होता है थोड़ा सा, तो इसलिए आप ध्यान से नमक डालना, बहुत थोड़ा सा मैंने डाला। और इसके बाद खदका लगते ही मैंने इसमें ये कोफ्ते डाल दिए हैं। मेरे कोफ्ते एक्चुअली बहुत थोड़े रह गए हैं क्योंकि टेस्ट टेस्ट में कोफ्ते
पहले ही ख़त्म हो चुके हैं खाते खाते ही, और अब मैंने इसको ढक कर के छोड़ दिया है। लेकिन इसकी ग्रेवी भी इतनी औसम लग रही थी कि आप मतलब कोफ्ते ना भी हो ना तो भी आप अच्छे से खा सकते हो, रोटी ऐसा नहीं है कि मतलब कोफ्ते कम है तो अच्छी नहीं लगेगी। और ये मैंने तड़का लगा दिया है इसमें, थोड़ा सा घी लेके उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल के और ऊपर से लगा दिया तड़का, तो ये मेरी सब्जी बनकर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करना, और कौन कौन करेगा वो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे निश्चय मुझसे पूछ रहा है, मैंने आते ही ना इसका कैप उतार दिया स्कूल से आते, और सर में हाथ फेर दिया, तो इसको लगा मैं उसके बाल बा रही हूँ। तो कह रहा है मम्मा जी मैं ऐसे बाल बा के लस्सी पीता हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा हूँ, एक बार पूछना इनसे। How are you? Maya bolna I am. How are you? I am fine. तो यहाँ पे मैं ना सिलाई करने के लिए बैठी थी, लेकिन जैसे ही सिलाई करने के लिए बैठी तभी मेरी मशीन की सुई टूट गई है, क्योंकि वो कई दिन से खटखट खटखट की आवाज़ कर रही थी और मेरे को बड़ा आलस आ रहा था, मैं खोल के देख ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था कोई पेच वेच शायद उसका ढीला हो रहा होगा इस वजह से, तो बस आलकस आलकस में मैंने अपना ही काम ख़राब कर दिया। और यहाँ पर निश्चय को भी मैंने पास में बैठा लिया, अगर उसका होमवर्क नहीं होता है तो वो इस टाइम पर मेरे साथ बैठ के होमवर्क कर लेता है जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा का काम करती हूँ, वरना फिर मैं उसको एक्स्ट्रा काम भी दे देती हूँ, घर का जो रफ़ काम आप कह सकते हो वो भी करवा लेती हूँ उससे यहाँ बैठे बैठे। ये है कि उसका भी टाइम पास हो जाता है, मेरे साथ बैठे बैठे बीच बीच में बातें भी मार लेता है, और मेरा तो हो ही जाता है, और साथ में पढ़ भी लेता है, इधर उधर नहीं घूमता है। और मौसम थोड़ा इस टाइम पर ठीक हो गया था, तो मुझे लगा चलो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं मशीन ही रख लेती हूँ। निश्चय के आने के बाद जो टाइम होता है ना वो थोड़ा सा मेरे पास हो जाता है, बच जाता है, अगर ये आराम से किसी दिन होमवर्क कर ले, इसका टेस्ट वगैरह ना हो ना नेक्स्ट डे, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। होमवर्क तो ये बड़े प्यार से कर लेता है, बस टेस्ट हो तो ये है कि मुझे मतलब थोड़ा सा प्रिपरेशन कराना पड़ता है ना, तो उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ पे ये बस मैं अपनी सिलाई करनी शुरू कर दूँगी अब, मशीन मेरी साफ़ करके उसके बाद। और अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने सूट उतारे हैं मम्मी के, क्योंकि शाम का मौसम होने जा रहा है और मौसम आप जानते ही हो किस तरह का है। फिर ये होता है ना कि मतलब ओस गिरनी शुरू हो जाती है, तो इस चक्कर में मैं सबसे पहले कपड़े ही उतार देती हूँ फ्री होते ही, शाम होते होते ही। और यहाँ पे ये मैंने पत्ते उठाने शुरू करे इकट्ठे, पूरा दिन में एक बाल्टी भर जाती है, पत्ते इतने गिरते हैं आजकल। और निश्चय भाई साहब तो आप समझ ही सकते हो ये तो कैसे पीछे रह सकते हैं जब मैं कोई काम कर रही हूँ, तो इनको तो ये रहता है ना कि मतलब मम्मा फर्स्ट आ जाएगी मैं रह जाऊँगा। तो यहाँ पे बस अपना काम धाम छोड़ के खेलना वेलना, क्योंकि यहाँ पे वो खेलने के लिए मैंने उसको बैठा दिया था कि बेटा अभी आपका ये खेलने का टाइम है, तो उसको ना ऐसे टाइम फिक्स है उसके, उसको ये लगता है कि ये मेरा इस चीज़ का टाइम है, ये मेरा इस चीज़ का टाइम है। तो यहाँ पे बस मैंने पत्ते उठा दिए अपने सारे, और साथ साथ यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिए। और इसके बाद भाई चलो आपसे बात करती हूँ बैठ के, फुर्सत में अभी लगेगा बस मुझे आपसे बात करने का टाइम। तो देखो 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 रोंतड़े निश्चय का मुंह देखो, रोंतड़े निश्चय का आए आपके सामने नौटंकी कर रहा है, देखो हंसने की इसको पता है सब देखेंगे, और अभी इतनी बुरी तरह से यूं करने लग रहा था करके। और किस बात पे, मैंने इसके लिए ना दो तीन मतलब गेम डाउनलोड करे, दो तीन गेम डाउनलोड करे थे मैंने इसके लिए, एक कलर का था, एक बॉक्स बनाने का था, पजल गेम टाइप का, बच्चों से रिलेटेड थे, एक मैच का था जैसे पिक्चर और अल्फाबेट को मैच करना था आपस में, मैंने वो करे कि चल पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी साथ में गेम का गेम हो जाएगा। और भाई साहब ने दो दिन में उनसे बोर होके और वो डिलीट कर दिए। तो अभी इसके पापा का एक गेम है उसको खेलने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो वो खेल लूंगा। जीत गया, जीत गया, वो खेला नहीं जा रहा इससे, पता नहीं वो क्या कह रहे थे कौन सा गेम है ये, मैं तो नाम भी भूल गई कौन से लेवल का गेम कह रहे थे मेरे को नहीं पता, तो उस टाइप का गेम है ये, इससे खेला नहीं जा रहा तो कर रहा है। ओके, तो इस बात पे इसको गुस्सा आ रहा था बताओ भाई। तो मैंने यूं कह दिया मैं तो कुछ भी डाउनलोड नहीं करूंगी, क्योंकि हम इसको ऑनलाइन कुछ भी मतलब कभी भी नहीं खेलने देते ना, इसके हाथ में ऑनलाइन कभी फोन ही नहीं देते, मतलब नेट ऑन करके सारी चीजें ऑफ करके नेट वगैरह सेटिंग में से ऑफ करके और फिर इसको मतलब देती हूँ मैं
जब भी इसके हाथ में फोन होता है तो हमेशा नेट ऑफ करके ही देते हैं, तो इसलिए चाहे पोयम हो चाहे स्टोरी हो या कोई भी कलर वलर कुछ भी हो इससे रिलेटेड चीज़ें, वो डाउनलोड करके और फिर इसके हाथ में फ़ोन दिया जाता है। बाकी सारी ऐप्स पे लॉक लगा रखा है इसके पापा ने। और ये बैठा एलिफेंट वाला निश्चय, हाय हेलो कुछ नहीं करोगे? ऐसे गंदे बच्चे भी होते हैं क्या बेटू? हाय हेलो हाय, हाथी बोल रहा है, हाथी बन गए हो। तो और भाई आज की सब्जी आपको देखने में कैसी लगी बताना मुझे। और पता क्या हुआ, मेरे कोफ्ते ना इसलिए कम पड़ गए, खा गए ये बैठे बैठे कोफ्ते ही खा गए सच में। और कोफ्ते खाने में भी मतलब खाली टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि पकोड़े से ही तो हो जाते हैं वो गोभी के पकोड़े। और मौसम आपको पता ही था आज का कैसा लाजवाब था, तो वो बैठे बैठे खाए गए और सब्जी में डालने के लिए फिर कम पड़ गए। घिया के तो थे नहीं कि मैं फटाफट से कस के घिया और डाल दूँ, वो कोफ्ते बनाने में थोड़ा वैसे भी एफर्ट लगा था, तो मैंने सोचा चलो अब जितने हैं उतने हैं। और ये घिया जितने हैं ना खाए भी नहीं जा रहे थे, ये हैवी हो रहे थे थोड़े, मतलब सब्जी में इतने नहीं खाए जा रहे थे ये जितना घिया के हम खा लेते हैं एक कटोरी में, मतलब दो ही इनफ थे। तो जी आज खाते खाते मैं इनसे कह रही, मैं कह यार आज तो सब्जी मैंने एक कहावत याद आई अपने पापा की, यूँ कहा करते हैं जब मतलब कुछ अच्छी सी चीज़ बन जाती ना कभी जिसमें लठ गड़ जाता तो नू कहते भाई आज तो कभी पड़ोसी से पिट गए, तो मतलब वो एक काम हो गया। एक नंबर की सब्जी बन रही थी आज, घनी बढ़िया सब्जी बन रही थी। तो चलो यहीं तक कर दूंगी आज की इस वीडियो ने एंड, और मैं आज टोन चेंज कर गई अपनी है ना, तो चलिए यहीं से कर देती हूँ आज की इस वीडियो को एंड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन बनाता है उसको याद से प्रेस कर लेना। मैं आपसे कल मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।